हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आपको कोरल ड्रॉ 11 के अंदर वेल्ड कमांड बताऊंगा और फिट फिट टेक्स्ट टू पाथ बताऊंगा। ये दोनों ऑप्शन का कैसे एक साथ इस्तेमाल करेंगे। अरेंज के अंदर एक ऑप्शन है सिपिंग के अंदर वेल्ड, ये मैं बताऊंगा और उसके साथ ये बताऊंगा फिट टेक्स्ट टू पाथ, ये मैं आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। जैसा कि आप ये लोगो देख सकते हैं, इस तरह का शेप बना हुआ है वेल्ड कमांड के माध्यम से। इस तरह दो शेप को एक साथ कैसे वेल्ड करेंगे और साथ में टेक्स्ट को कैसे इसके साथ अटैच करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप पेज ले लें, चौड़ा पेज ले लें। आप सीखने के लिए सबसे पहले आप बेस्ट यही है, पोर्ट्रेट ना सिलेक्ट करें। लैंडस्केप लेने के बाद आपको क्या करना है, इस जगह पर रेक्टेंगल टूल इस पे क्लिक करें और इस तरह एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर दें। ड्रॉ करने के बाद इसे कलर कर दें। कलर करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि माउस का लेफ्ट क्लिक करने से किसी भी शेप के अंदर फिल कर सकते हैं, और आउटलाइन को अगर जरा थिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ये आउटलाइन विड्थ है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, 8 पॉइंट ले लें। और इसे अब चाहें तो आउटलाइन कलर करने के लिए माउस का कलर पैलेट में जाएं, माउस का राइट क्लिक करें, कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक एलिप्स टूल पे क्लिक करना है और इस तरह एक सर्कल आपको इस तरह ड्रॉ करना है। इस तरह करने के बाद आप क्या करें, इसे भी आप चाहें तो कलर कर सकते हैं। इस तरह मैंने कलर कर दिया। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे एक साथ अटैच करना है, जोड़ना है। इस तरह ऐसे अटैच करना है ताकि इसे ग्रुप नहीं करना है, वेल्ड के माध्यम से उसे मुझे इसे वेल्ड करना है। वेल्डिंग जैसा आपने जानते हैं लोहा वगैरह जो वेल्डिंग करते हैं, उस तरह इस दोनों को वेल्ड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने एलिप्स को सिलेक्ट किया है, उसके बाद अब अरेंज में जाएं। जाने के बाद शेपिंग में आए, शेपिंग में आने के बाद इस जगह पे ऑप्शन है शेपिंग, शेपिंग पे क्लिक करें। जैसे ही शेपिंग पे क्लिक करेंगे, शेपिंग का एक अलग सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा राइट हैंड साइड में, कोरल ड्रॉ के एप्लीकेशन के राइट हैंड साइड में आ जाएगा। आप उसके ठीक नीचे, शेपिंग के ठीक नीचे इस जगह पे क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना वेल्ड, वेल्ड पे क्लिक करें। करने के बाद देख सकते हैं वेल्ड के तस्वीर आएगा, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ वेल्ड किया हुआ है, दोनों का कलर सेम टू सेम है। उसके बाद लीव ओरिजिनल में आए, यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट है, टारगेट ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, सोर्स ऑब्जेक्ट इसको एक्टिवेट करना है, इसको ऑन कर दें। करने के बाद वेल्ड टू पे क्लिक करें। अब ये ध्यान रहे, वेल्ड टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक इस तरह का साइन आएगा, आप जिसको सिलेक्टेड नहीं था, जैसे मेरा ये रेक्टेंगल बॉक्स सिलेक्टेड नहीं था, उस पर आके क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, वो जो सर्कल मैंने लिया हुआ था, देखिए इस तरह इसके साथ रेक्टेंगल बॉक्स के साथ अटैच हो गया। इस तरह हम लोग वेल्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का एक शेप तैयार कर दिया मैंने वेल्ड के ऑप्शन के माध्यम से। और जो पीछे जो बच गया है, रह गया, उसे आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। इस तरह का शेप तैयार हो गया। अब इसके साथ मुझे टेक्स्ट अटैच करना है, तो टेक्स्ट अटैच करने के लिए मुझे टेक्स्ट लिखना होगा। तो जैसे जनरली आपको पता है कि टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट इस जगह पे क्लिक करके टेक्स्ट लिखेंगे, टाइप करेंगे। वाचिंग मैं लिख दिया, टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद इस तरह मैं इसका साइज जरा इंक्रीज कर दिया। आप इसे चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, चाहे आप इसे इटैलिक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने कलर कर दिया, आप जो अच्छा लगे आप कलर इस तरह चूज करें और इस तरह इसे आप कलर कर दें, आपकी मर्जी है, जो कलर आपको ज्यादा पसंद लगे। इस तरह मैंने कलर कर दिया टेक्स्ट। अब इसको इसके साथ अटैच करना है, तो उसके लिए क्या करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। करने के बाद टेक्स्ट ऑप्शन में जाएं। जाने के बाद यहाँ पे देखें फिट टेक्स्ट टू पाथ का, ये फिट टेक्स्ट टू पाथ ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एरो आएगा, एरो को आप क्या करें, जो आपने शेप बनाया था उसके ठीक लाइन पे, या तो इसको यहाँ पे इस तरह क्लिक कर दें इसके ऊपर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, दोनों के साथ देखिए ये इसके साथ अटैच हो गया। अब आप एक ऑप्शन है, आप चाहे तो इस जो टेक्स्ट लिखा है इस शेप के साथ अटैच किया, उसे आप चाहे तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट आप इसे मूव कर सकते हैं। तो दोनों को जब सिलेक्ट करेंगे, इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट कर दें, तो एक ऑप्शन आ जाएगा इस जगह पर, ऊपर में देखिए पैलेट आएगा ऑप्शन का। आप चाहें तो इस पर क्लिक करें, ये देखिए ये दूर चला जाएगा। आप चाहें तो इसे इधर राइट रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट हो जाएगा। इस तरह आप घुमा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से प्रीसेट ऑप्शन दिया हुआ, अब जो अच्छा लगे आप यहाँ पे
इसे इस तरह ट्रैक कर सकते हैं। आप चाहें तो ये दोनों को अगर अलग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ अरेंज में जाएं, देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट, मतलब जो सेव था उसको अगर अलग करना है, इस पर क्लिक कर दें फिर बाहर क्लिक करें, ये देखिए लिखा आउट को भी हम अलग इसके साथ कर सकते हैं इस तरह। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम वेल्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं और साथ में फिट टेक्स्ट टू पाथ का ऑप्शन भी कैसे इस्तेमाल करेंगे कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।